फेंका जा रहा है और नाले में और पूर्व में शिवलिंग फेंका जा रहा है। ये धार्मिक नगरी काशी है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि कम से कम नाले में शिवलिंग फेंका जा रहा है। और हम लोग के जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम ये जिन लोगों ने ऐसा किया है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं विश्वनाथ मंदिर में एक तरीके से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वही शिवलिंग ले आके नाले में फेंकने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ की जनता बहुत आक्रोश में है। देखिए, आज काशी में ऐसी दुखद घटना घटी है कि हम सब लोगों को मठ मंदिर से निकल करके सड़क पर और फिर यहाँ थाने में आना पड़ा है। वो घटना ये है कि बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे कि यहाँ विकास के नाम पर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर यहाँ के प्राचीन मंदिरों को और उनके अंदर स्थित मूर्तियों को तोड़ करके फेंका जा रहा है। तो जो लोग जानते थे वो तो समझ रहे थे कि हाँ बात सही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बार बार इसका खंडन करते थे। जो केंद्र और राज्य सरकार के नेता हैं वो इसका बार बार खंडन करते थे। आज जब रोहित नगर नाम की जगह पे जो असी नदी को पाटने के लिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर का मलबा ला करके फेंका गया, तो उसमें लगभग 150 से 200 शिवलिंग और नंदी और दूसरी मूर्तियां निकली हैं मलबे के अंदर से। क्षेत्रीय नागरिकों ने पहले उसको देखा, बाद में और लोगों को पता चला, सब लोग इकट्ठा होकर के आए हैं, थाने में लेके आए। थाने वाले उस मूर्ति को यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन जब क्षेत्रीय नागरिकों का दबाव बढ़ गया तो उन्होंने अब उसको कहा है कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं और उनकी गिनती कर रहे हैं कि कितनी मूर्तियां यहाँ पर आ गई हैं। अभी वहाँ पर जो मलबा पड़ा है रोहित नगर में, उसमें मलबा हटाने से अभी और भी मूर्तियां वहाँ पर मिल रही हैं। अभी हम लोग वहाँ पर थे, लगभग 10-12 मूर्तियां और वहाँ पर मिली हैं और काफ़ी सारा मलबा वहाँ पर है। हम लोग अभी यहाँ से उठ करके वहीं जाएंगे, वहीं बैठेंगे और मलबे को छांटते हुए जो और देव मूर्तियां उसमें पड़ी हैं उनको निकालेंगे, निकाल करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और ये बात आज प्रमाणित हो गई कि काशी में मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। कभी औरंगजेब ने जिस तरह का आक्रमण, जिस तरह का अत्याचार अनाचार काशीवासियों पे किया था, आज की सरकार उससे कम नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि तत्काल इस पे जांच हो और तत्काल काम रोका जाए और जो मूर्तियां हैं उनको हमको हैंडओवर किया जाए, हम उनकी पूजा अर्चना करें और वहां पर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनको रोका जाए, मंदिर न तोड़े जाए। अभी जो शिवलिंग रोहित नगर में पुणे के ढेर में और मलबे पर मिले हैं, उन्हीं के संबंध में अजय राजी की तरफ से पूर्व विधायक तरफ से जो है तहरीर मिली है, उस पर अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है। आगे की कार्रवाई मुकदमा दर्ज होने के बाद की जाएगी। कितने शिवलिंग मिले और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है? शिवलिंगों की संख्या गिनती की जा रही है, गिनती करके बता दिया जाएगा। अभी अज्ञात के खिलाफ है, जैसे पता विवेचना में जिन लोगों का नाम प्रकाश में आएगा उन लोगों की कार्रवाई। शिकायत में आया है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र से आया है, जबकि ये जांच का विषय है कि ये कहां से आया है। तहरीर में भी उन्होंने इस चीज़ को ही लिखा है अपने, इसकी जांच करा ली जाए और हम लोग बिल्कुल उसके क्रम में पहले पता करेंगे कि मलबा किसने लाया, कहाँ से लाया। ये ज़रूर है कि इस मलबे से कुछ भगवान शंकर की शिवलिंग के कुछ टुकड़े, कुछ भगवान नंदी के टुकड़े, इस तरह की चीज़ें कुछ यहाँ पे मलबे से निकाल के लोग दिखा रहे थे जो पाई गई हैं, लेकिन मलबा कौन लाया, कहाँ से लाया, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। नाले के पास ये प्रथम दृष्टया पता चला है किसी का सो कॉल्ड प्लाट था, वो भी जांच से पता चलेगा कि प्लाट है कि सरकारी एरिया है। उस प्लाट में उन्होंने किसी ठेकेदार से कहा था जिसने मलबा विगत 2 रातों में यहाँ के लोग बता रहे हैं गिराया है। तो चीज़ें अब इनिशियल स्टेज पर अभी कोई टिप्पणी उचित नहीं होगी, पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या है, तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, क्या आप जानकारी में कि शहर में कहाँ से मूर्तियाँ या मंदिर तोड़े रहे हैं? दरहाल बीच मंदिर कहाँ तोड़ा गया है? हाँ, मंदिर या शिवलिंग कहाँ से शिवलिंग नहीं है? हमारी जानकारी में तो नहीं है, आपकी जानकारी में हो तो आप हमें जरा संज्ञान लाइएगा कि कहाँ मंदिर तोड़ा गया है। ठीक है।